सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक उजाला न्यूज। मैं अशोक हिब्बा, प्रतिवचन न्यूज़पेपर संपादक। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक वादा किया था कि मैं जो हमारे समाज में भारत के लोग, पंजाब के लोग, मैं आप लोगों के लिए अगर इस मीडिया के थ्रू मैं जो कुछ भी आप लोगों की सेवा कर सकता हूँ, मैं समय आने पर करता रहूँगा। दोस्तों, हमारे मानजोग प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन के दौरान एक वादा किया था कि हमारे इस लॉकडाउन में जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं रूटीन में, दोस्तों हुआ ये कि प्रधानमंत्री जी ने तो ऑर्डर कर दिया कि किसी की सैलरी नहीं काटी जाएगी, सभी को सैलरी मिलेगी। और सुनने में लोगों के काफ़ी फ़ोन आए और लोगों ने अपने बारे में बताया कि हमारे जो ऑफिस के जो ओनर है हमें सैलरी नहीं दे रहे, हमें नौकरी से निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कुछ आपने करना है वो कर लो। ऐसे लोगों के साथ जो प्राइवेट सेक्टर में जो उनकी कंपनी के मालिक हैं वो ऐसा उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनके अपने जो ऑफिस के जो ओनर है, मालिक है, उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। बोल क्यों नहीं सकते, उसका एक कारण है कि वो अगर बोलेंगे कि हमें सैलरी दी जाए, वो सोचते हैं कि हमें एक बार तो सैलरी मिल जाएगी, क्या होगा। प्राइवेट सेक्टर में कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, जो नेक्स्ट मंथ में वो उसको नौकरी से निकाल देंगे। वो इस डर के मारे कोई भी प्राइवेट एम्प्लाइज अपने किसी भी एम्प्लाइज के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा, आराम से घर बैठा है और उनके अकाउंट में ना तो सैलरी आ रही है, ना किसी को कैश जो पेमेंट मिलती है वो भी नहीं मिल रही। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा प्रशासन है, अलग अलग जिले के DC हैं, अपने प्राइवेट सेक्टर में इन लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनका साथ दिया जाए, उनकी मदद की जाए। और हम अपने इस मीडिया के थ्रू जो भी कुछ आप लोगों के लिए कर सकते हैं, हाँ कुछ लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, बोल नहीं सकते कि हम सामने ना आए। दोस्तों, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, आप अपने ऑफिस के ओनर का सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर आपने हमें देना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपके साथ वादा करते हैं कि आपका नाम भी नहीं आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने उनके खिलाफ कंप्लेंट की है, और आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी। और आपकी जो सैलरी है हर मंथ, जब तक हमारे भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तब तक आपके अकाउंट में वो सैलरी आपको मिलेगी और आपको नौकरी से भी नहीं निकाला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें मैं तो आपकी जो मीडिया के थ्रू जो हेल्प करूँगा, मदद करूँगा, हमारे DC साहब जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के DC हैं वो भी आपकी मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9464465240। आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मैं वादा करता हूँ कि आपकी किसी की भी सैलरी रुकेगी नहीं। और काफ़ी कुछ सुनने में ऐसा भी आया है कि कुछ लोगों को रिजाइन करने पर भी मजबूर किया गया है प्राइवेट सेक्टर में, कि कल को वो प्राइवेट सेक्टर वाले जो ओनर है, जो एम्प्लाइज है, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले सके, ऐसा भी सुनने में आया है। तो दोस्तों, बस मैं इसके साथ आपके साथ वादा करता हूँ, और कोई भी मुश्किल आती है प्लीज़ आप अपने हमारे DC साहब को, जो अलग अलग आपके इलाके में DC पढ़ते हैं, उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और मीडिया में
आप अपनी कंप्लेन लिखा सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।